अब जैसे एमएसपी का है, कांग्रेस ने पहले भाजपा की शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला उनका है महिलाओं को 2100 रुपया महीना देंगे जी। कांग्रेस ने कहा था दो दिन पहले महिलाओं को 2000 महीना देंगे, इन्होंने 100 रुपया, इन्होंने 2100 दे दिए भैया, हम 2100 देंगे, दे दिए नहीं। एक जो प्रमुख मुद्दा है कि 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के पक्की सरकारी नौकरी, पक्की सरकार। अब तक किसने हाथ पकड़ा? 10 साल में 2 नौकरी नहीं दी, 2 लाख प्रति नौकरियां तो दी है, ऐसी बात नहीं कह सकते। वो पक्की पक्की भी दी है ना, 18 साल का बच्चा अग्निवीर की भर्ती में चला गया, 22 साल के अंदर वो वापस आ गया, रिटायर हो गया, रिटायर होके आ गया। उसके बाद उसका पूरा जीवन पड़ा है। वो कहा तो था, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि भाई हमारे यहाँ गनमैन की नौकरी कर लेंगे हमारे ऑफिस में आकर। कितने तो हर घर में, हर कुटीर उद्योग छोटे बड़े और हर हाथ को काम मिले। तो अब बना तो रहे हैं, लखपति दीदी बना रहे हैं, हर हाथ को काम मिले। कहाँ 83 करोड़ जनता को आपने निखट्टू निकारा बना दिया, उनको राशन फ्री में। कांग्रेस वालों ने कहा एमएसपी की गारंटी देंगे, लेकिन इन्होंने गारंटी नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हम 24 जिन्स फसलों को एमएसपी पर बिकवाने की व्यवस्था करेंगे। वो तो व्यवस्था आज भी हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। जब चुनाव आता है तो राजनीतिक दल अपनी तरफ से घोषणाएं करते हैं, अपने इरादे बताते हैं, अपने वायदे करते हैं और कहते हैं कि अगर हमें कुछ मिला तो हमारा इरादा ये है, ये वादा पूरा करेंगे। हालांकि अब घोषणा पत्र नाम की चीज़ें रही नहीं। एक समय वो था, घोषणा पत्र जारी होते थे और बाद में उनको कहीं डस्टबिन में डाल दिया जाता था। आजकल कांग्रेस उसको गारंटी पत्र कहती है जिनको जारी करती है। चुनाव आता है तो कांग्रेस की तरफ से गारंटी पत्र आता है और आ चुका है। 7 उसके अंदर प्रमुख मुद्दे हैं जिनकी 7 गारंटी कांग्रेस दे रही है, महिला, किसान, युवा, छात्र, इन सबको लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे आगे बढ़ के अपना संकल्प पत्र जारी किया है। भाजपा संकल्प करती है और उसने जो संकल्प पत्र जारी किया है भारतीय जनता पार्टी ने, 20 सूत्रीय, वो भी जारी कर दिया। अखबार में बड़े बड़े लंबे चौड़े इश्तहार आज देख सकते हैं आप। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस ने अपना 7 गारंटी दी है, वो तो कह सकते हैं कि विपक्ष में थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 20 संकल्प कर रही है कि आगे करने के लिए, आखिर उनमें से कुछ पहले भी पूरे कर सकते थे। खैर, इनके वादे क्या हैं, इनके इरादे क्या हैं, दोनों पार्टियों की बात क्या है, कितना जनता को ये गुमराह करना चाह रहे हैं और या फिर जनता को बहकाना चाह रहे हैं, कुछ इस प्रकार के बातों को लेकर के हम मौजूद हैं। और मेरे साथ हैं देवेंद्र सुरजेवाला जी। जी सुरजेवाला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। तो संकल्प पत्र जारी कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने भी, ये संकल्प ले रहे हैं, वो भी संकल्प कर रहे हैं। संकल्प का मतलब होता है कॉल, वचन जी, वचन देना। इन्होंने इसको संकल्प का नाम दिया हुआ है, मैं इसको औपचारिकता कहूंगा। औपचारिकता है, औपचारिकता है, ये वादे इरादे नहीं है। इस पे पीछे का जो था 2014 का उठा लीजिए जी, 2019 का उठा लीजिए जी, जो मैनिफेस्टो जारी हुआ था पार्टी का, उसमें से कितने पूरे हुए जी, कितने 19 में पूरे हुए, और ये भी 20 आपने जैसे बताया, मैंने देखा है उन पर, एक नज़र डाल के देखा है, 20 जो है उनमें कहीं ऐसा कोई नज़र नहीं आता कि भाई ये इस पे ये कोई काम करेंगे। ऐसा लगता है जैसे कि एक बस वो पूरे कर दिए पॉइंट्स। और अब जैसे एमएसपी का है, कांग्रेस ने पहले भाजपा की शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला उनका है महिलाओं को 2100 रुपया महीना देंगे जी। कांग्रेस ने कहा था दो दिन पहले महिलाओं को 2000 महीना देंगे, इन्होंने 100 रुपया, इन्होंने 2100 दे दिए भैया, हम 2100 देंगे, दे दिए नहीं, आप कह रहे दे दिए। अगर दे दिया होता तो फिर संकल्प का, वैसे मुझे इनके संकल्प पत्र देखकर भी हंसी आती है। नहीं, ये तो संकल्प है, क्या संकल्प कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे हर भाषण में कहीं जाएं जी कि जी अरविंद केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है, मुफ्त की रेवड़ी, मुफ्त की रेवड़ी जी, ये बताशे बांट रहे हैं अब क्या। हाँ, रेवड़ी से भी आगे हो गए, बिल्कुल मीठा मीठा घोलने के लिए गजक, गजक में तो कुछ मिलावट है पर बतासा प्योर चीनी है, इसलिए मैंने कहा कि बतासे बांट रहे हैं। हाँ, बिल्कुल 2100 रुपए का बतासा महिलाओं के लिए और 500 रुपए का सिलेंडर। अच्छा, मुझे एक बात और है,
10 साल से इनकी सरकार थी जी, कौन रोक रहा था इनको? किसी ने भी मना नहीं किया, और करते भी कैसे ऊपर, जैसे वो शिवराज चौहान थे मध्य प्रदेश में, मामा जी जब उनकी सरकार जाने वाली आ रही थी, नजदीक का टाइम था, हालांकि सरकार दोबारा बन गई। मैं इस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा कि जनता वोट क्यों कर रही है, किसको कर रही है, मुद्दा क्या है, वो तो जनता का फैसला, कुछ पता नहीं जनता किस मुद्दे पर किसको वोट करती है, और ये जनता का अपना विवेक होता है। यस जी, और अगर मैं तो ये कह दूं कि जो जनता के विवेक पर ज्यादा पर्दा डाल लेगा वो सत्ता में नजदीक आ जाता है। हाँ, वो तो चौधरी देवीलाल भी कहते थे, जो ज्यादा बहका लेगा, जो ज्यादा बहका लेगा हो जाएगा, सुलझाना मुश्किल है, बहकाना आसान, बहकाना आसान है। तो बड़ा, तो 2100 रुपए जी, 500 रुपए सिलेंडर, 500 रुपए सिलेंडर, बहुत कुछ है। राजस्थान में भी कह के आए थे, हाँ अभी तक तो किया नहीं, तो यहाँ भी फिर क्या असर होगा? क्या लगता है ये महिला इससे कितनी बहकेंगी? मैं बहकना ही कह दूं, बहकना ये कह लीजिए या उनका मजाक उड़ाने वाली बात कहूंगा मैं तो, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार को लेकर के आजकल रोज कह रहे हैं जी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार वहां कर्ज में डूब गई। हमें पता नहीं, मैंने देखा नहीं कहीं ऐसी बातें, ये केवल भाजपा नेताओं के भाषण के अलावा मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि हिमाचल प्रदेश कहीं डूब गया हो या उनको तनख्वाह देने को ना हो, जैसे प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में कहा। हाँ, बड़ा उन्होंने बढ़ चढ़ करके बोला कर्नाटक को, उनको मैं वही कह रहा हूं, स्टेट के बारे में कुछ नहीं, उनकी उनके भाषण के अलावा मुझे वैसे कहीं दिखता नहीं। एक चीज है इसमें बड़ी दुर्भाग्य है जी, कि देश के प्रधानमंत्री जहां इनकी सरकारें नहीं है उनको बड़ा बुरी तरह कोसते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि भाई हम पाषाण युग में है वहां, मतलब ऐसा लगता है वहां का जो वातावरण है, वहां का जो आर्थिक स्थिति है, वहां की जो दशा है लोगों की, वो बहुत ही पिछड़ी हुई और बहुत ही भ्रष्ट, जबकि होना चाहिए संघीय ढांचा है हमारा। हाँ, यस, एक हमारा देश, प्रधानमंत्री का दायित्व नहीं है, उनकी ब्रांच है सारी, ये राज्य अलग अलग उसकी शाखाएं हैं, इकाई है, और जो प्रधानमंत्री है वो सबका मालिक है एक तरह से, नहीं मैं मालिक कह सकता हूँ, दायित्व है, दायित्व है उनका, नैतिक दायित्व है, बिल्कुल है। अगर बजाय उनको कोसने के अगर उनमें कमियां हैं तो उनको पूरा कर दें, कह दें कि ये कमी इनको पूरा करते हैं। खैर, राजनीति है सुरजेवाला जी, तो राजनीति में जितना ज्यादा जाएंगे हम भी नहीं, अब की राजनीति जो है ना उसमें निसंदेह जो है ना बहुत ही निमन सतर गिरा। मैंने एक वीडियो डाला था एक बार, पिछले दिनों शेयर किया था जी, मैंने कहा था नीति नहीं है, राजनीति नहीं है, राजनीति का मतलब होता है नीति से चलने वाला राज। यस, और अब ये ऐसी कोई भी नीति जिससे राज आ जाए, बस ये नीति राज है, नीति राज नीति नहीं है, मतलब कोई ऐसी नीति बना लो, नीति राज, वो नीति हो अनीति हो कुछ भी हो, बस राज में आना है तो वो राजनीति वो बन सकती है। खैर, ठीक है, मैं जो पढ़ रहा था आपको मैं बताता हूँ, इनके संकल्प पत्र दोहरा देते हैं। पहला मैंने बताया आपको, इन्होंने 2100 रुपए लिखा है, और 10वें नंबर पर है हर गृहिणी के लिए 500 रुपए में सिलेंडर, 11वें नंबर पर है अव्वल बालिका योजना के तहत यानी कि बेटियों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर, स्कूटी देंगे। कहां से आएगा ये सब कुछ? सबसे पहले तो मैं एक बात में बीच में टोकना चाहूंगा आपको, ये वैसे तो ठीक था मोदी जी का कहना कि ये रेवड़ी बांटना, फ्री बीज जिसको कहते हैं जी, मुफ्त खोरा जी, इससे समाज का कोई भला नहीं होने वाला। हाँ, ये सबसे बड़ा घातक है ये देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, समाज के लिए। रोकेगा कौन? कोई रोकने वाला नहीं, जो खुद जो करने वाले, जो रोकने वाले, जो वो तो कहते थे औरों के लिए कि ये रेवड़ी बांट रहे हैं, वो उसमें बढ़ावा दे रहे हैं, वो कोई और अच्छी घोषणाएं करें, वो कह दें कि हम रोजगार देंगे। अब कहा इसमें ये दूसरे नंबर पर है एक जो प्रमुख मुद्दा है कि 2 लाख 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के पक्की सरकारी नौकरी, पक्की सरकारी। अब तक किसने हाथ पकड़ा? 10 साल से 10 साल में 2 नौकरी नहीं दी, 2 लाख प्रति नौकरी तो दी है, ऐसी बात नहीं कह सकते, वो पक्की, पक्की भी दी है ना, कौन सी पक्की नौकरी दी है? पुलिस की नौकरी लगाई है, भाई ये तो चलता रहता है, HSSC की हो गई, HPSC की हो गई, उसे कौशल योजना से आ रही है, अब ये तो नौकरी कहती है, अब कौशल योजना शुरू हुई। हाँ, एक दो लाख पक्की नौकरी देंगे, अभियान जो है ना HS वगैरह वो तो है, और वो भी अब तो डायरेक्ट 200 के करीब तो IAS बगैर एग्जाम के, बगैर उसके सीधे, और वो भी ज्वाइंट कमिश्नर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के भारत सरकार में बना दिए, जो बनाए हैं सरकार ने, बिना कोई टेस्ट के बनते हैं, बगैर एग्जाम के, बगैर, मतलब क्या क्या क्राइटेरिया, आप खुद अधिकारी रहे हो, इसे छांट लेते हैं। हमारे पलवल के DC भी आजकल वही है, मुझे लगता ना, ये नॉमिनेशन है, ये नॉमिनेशन है, ये नॉमिनेशन है, ये तो पहले से है जी, हर साल जैसे कि
क्लास वन जो कैटेगरी के हरियाणा सरकार में जो अधिकारी हैं उनमें से जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस हो और क्लास वन हो उनमें से नॉमिनेट आईएएस होते हैं। आईएएस में आते हैं, वो तो हमेशा आते हैं। तो कोई टेस्ट वेस्ट होता है उसके लिए भी ना? उसमें तो उनका जो सर्विस रिकॉर्ड देखा जाता है, उनकी एसीआर, उनका सारा सर्विस, मतलब जिसने 5 साल तक ठीक ठाक पर बिना अच्छा? बिना पर्ची खर्ची की नौकरी कर ली ना, बिना पर्ची खर्ची तो क्या कहेंगे इसको, लेकिन जिनका रिकॉर्ड अच्छा है ठीक है, तो उनको पर्ची से हो या खर्ची से हो वो तो वो जाने। वैसे आप खुद एक गजटेड ऑफिसर रहे हो जी, क्या ये व्यवस्था ठीक है? गलत है, शुरू से चली आ रही भले ही, या इसको चेंज नहीं होना चाहिए? एक तरफ वो लोग हैं जो उसमें एक्सपीरियंस और फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, जिनका अच्छा रिच एक्सपीरियंस हो उनको। अब देखिए हरियाणा के अंदर पिछले, ये तो सिफारिश के आधार पर ले लिए जाते होंगे फिर मोस्टली, बहुत बार तो इनके पीए होते हैं, मंत्री के, मुख्यमंत्री के ओएसडी पीए, उनको लगाया जाता है। हरियाणा के अंदर प्रताप सिंह थे, प्रताप सिंह थे, रिटायर्ड हो गए, कैरो एचसीएस बनाया गया उनको, विद्या ने बनाया, बंसीलाल जी के मिस्टर राव थे, मेहतानी थे, दुनिया भर के हैं और चलता रहता है। चलिए उसी मुद्दे पे आते हैं, लेकिन बात ये थी कि वो अगर उनको हर फील्ड से अच्छा एक्सपीरियंस के आदमी को लेके आए तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन अभी पिछले दिनों इसी सरकार ने एचसीएस के अंदर नॉमिनेशन जो हुआ उसमें 12-14 शिक्षा विभाग से आए हैं। मेरा ये पर्सनल तजुर्बा है, जो उसमें शिक्षा विभाग से आए हैं और वो आज एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, टीचर का एडमिनिस्ट्रेशन अनुभव कोई है ही नहीं, उनका कोई अनुभव नहीं है, नहीं होता। और मेरा ये प्रैक्टिकल रहा है, जींद का मेरा जो वहाँ पे एक सीटीएम थे मिस्टर यादव, मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनको बहुत नज़दीक से रीड किया और देखा उनकी वर्किंग को, दे आर नॉट कैपेबल, उनका एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई पता ही नहीं। अच्छा बूढ़े तोते को आप क्या पढ़ाएंगे? ठीक बात है, जो 50 साल का हो गया है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन का अब तक कोई तजुर्बा नहीं है, उसको क्या सिखाएंगे? 50 साल का आदमी तो साइकिल नहीं सीख सकता। ठीक बात है, तो ये इस तरह की व्यवस्था। और अब तो भारत सरकार में सीधा आईएएस, और वो भी ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक। ज्वाइंट सेक्रेटरी का मतलब पता है भारत सरकार का? जो हमारे यहाँ सेक्रेटरी रैंक का होता है, सेक्रेटरी सरकार होती है, विभाग का मुखिया होता है, मुखिया होता है। तो चलिए अब ये जैसे चल रहा है तो उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, किसी को भी टेस्ट नहीं है, उठाते हैं और अपने आदमियों को लेके आते हैं। एक और हरियाणा में वो था सुशासन योजना, सुशासन सहयोगी, वो भी सुशासन सहयोगी, योगी थे एक, पता नहीं सहयोगी थे वो भी बैठा दिए थे जिलों में। बड़ा उसमें मैंने शायद आपको बताया था यमुनानगर का किस्सा कि एक श्रीमान जी कुरुक्षेत्र में वो होते थे डाटा एंट्री ऑपरेटर, और वहाँ के एडीसी जो थे उन्होंने उसको करप्शन के मामले में पकड़ दिया श्रीमान जी को, और उसको बर्खास्त कर दिया। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो थे ना वो टेम्परेरी थे एडमिनिस्ट्रेशन पे, बाद में वो डिप्टी कमिश्नर लग के चले गए श्री जो थे एडीसी यमुनानगर, और वो डाटा एंट्री ऑपरेटर चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट बनके मुख्यमंत्री के सुशासन सहयोगी बनकर वो यमुनानगर पहुंच गए। क्या क्या अब बात है, डीसी साहब ने तो माथा पकड़ लिया। क्या बात है, क्या सुशासन लाएंगे? उनको इस बात का रोना आया कि मैं अब क्या करूं, ये तो मेरे ऊपर बैठा दिए। कौन से डीसी थे, नाम नहीं लेते। चलिए वैसे क्या कमाल है। हाँ तो उन्होंने माथा पकड़ लिया और बड़े गंभीर उसमें। ऐसा मैंने एक बार कैथल में देखा जी, एक और बना दिए थे जो उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सब डिविजन लेवल पर जो आपकी सीएम विंडो और गुड गवर्नेंस, नहीं नहीं उनको कुछ और ना। अब ये नहीं पता इस सरकार में मंडल और आपके पता नहीं क्या क्या प्रमुख और क्या क्या पन्ना प्रमुख, जैसे पार्टी में होते हैं पदाधिकारी, पता नहीं कितने पद और मैं वही कह रहा हूँ, जैसे पार्टी में पदाधिकारी बनाते हैं, नहीं नहीं अर्ध पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रमुख, उनको मंडल प्रभारी, उनको बाकायदा ये था कि वो ऑफिस में जाएंगे और जितनी ग्रीवांसेस है वो सुनेंगे, उनको वो अगर नहीं नहीं वो जैसे कंप्लेंट आई और उसका कोई जवाब बना तो उसको वो अप्रूव करेंगे। तो वो सीएम विंडो की कमेटियां बनी थी वही तो, और वो
मुझे कुछ अधिकारियों ने बताया कि वो फिक्स था उनका अमाउंट, भाई इतने पैसे दिया और मोहर लगा के दे देते, वो साइन हो गए भाई। ये तो मैंने चलिए 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 हुआ, ये हुआ सब कुछ, हुआ सब कुछ, हुआ सब कुछ हुआ। लेकिन मैंने उन आदमी को देखा है जी, और वो उनका सतर भी देखा है, उनकी वर्किंग भी देखी है, और उनको कैसे अप्रोच करके लोग वो करवाते थे। अच्छा काम को लिए दबा दिया जाता था, और निकम्मा और जो था, जो कंप्लेंट होती थी वही जो आपने कहा कौन सा फार्मूला अपनाया उसको वो। मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अपनी पार्टी में इनके पदाधिकारी होते हैं वैसी नई नई पोस्ट क्रिएट कर दी थी, पता नहीं कितने पद आ गए। चलिए चल अब इसी मुद्दे पर आ रहे हैं जी, 2 लाख सरकारी पक्की नौकरी और 5 लाख इस बिना पर्ची खर्ची। मुझे फिर हंसी भी आ रही है, और इस पक्की नौकरी पे 2 लाख भारत में भी, ये जो हमारे केंद्रीय जो है शीर्ष नेतृत्व, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था कि हर 2 करोड़ नौकरी आज तक 20 करोड़ होनी चाहिए। अरे मुझे तो ये लगता है कि जो एक हरियाणा में ज़्यादातर देहात के बच्चों को रोडवेज में कंडक्टर की, पुलिस में सिपाही, और जो क्योंकि खेल की तो सरकार ने कोई घोषणाएं इसमें भी मिलेंगी आपको, ऐसा कोई स्टेडियम जो पीछे बने थे, कुछ स्टेडियम बने हैं पीछे, पिछले सरकार ने बनाए हैं ब्लॉक लेवल पर, अच्छे भी बने हैं उसमें जी, तो उनमें घास फड़ी है, और बच्चों को अक्सर हमने देखा रिसबाई की पटरी पर, नहरों की पटरी पर, सड़कों पर दौड़ते हुए स्टेडियम में। वो बच्चे तैयारी करते हैं, और तैयारी करके उनका एक ही लक्ष्य होता था कि भाई और नहीं तो सेना में नौकरी पर चले, वही सेना वाली बात, भर्ती हो जाए, सेना में भर्ती हो जाए, अग्निवीर, तो वहां चले जाते थे। और हरियाणा में तो एक बड़ी मशहूर थी कहावत कि भाई जो नौकरी लग गई तो उसका रिश्ता भी हो जाता था बच्चे का। अब उनके रिश्ते भी बंद हो गए, क्यों? क्योंकि वो रिश्ते वाला कहता है यार जब तक रिश्ता होगा, शादी होगी, जब तक तो ये रिटायर होकर घर आ जाएगा। अग्निवीर ऐसी योजना बनाई, हाँ, जिस दिन दुष्यंत चौटाला हटे, हाँ वो भी अग्निवीर हो गए, अग्निवीर हो। अब जिनकी टिकट कटी 4 साल में, अग्निवीर जिनकी टिकटें कटी, जैसे परवल में वो प्रवीण डागर का टिकट कटा, वो भी अग्निवीर, वो नया नया भाजपा में गया था, टिकट मिला विधानसभा का, प्रवीण डागर जी का टिकट कटा, लोगों ने कहा अग्निवीर हो गए। चलिए इनकी जगदीश नायर गए थे, इनकी तो लॉटरी यूं खुली कि इनको तो पेंशन भी मिल रही है, सब कुछ मिलेगा, उन बेचारों का तो कुछ भी नहीं है। हाँ। एक बार ही बताई, मैं एक और खबर पढ़ रहा था, 18 साल का बच्चा अग्निवीर की भर्ती में चला जाता है, 22 साल के अंदर वो वापिस आ गया, रिटायर हो गया, रिटायर होके आ गया, उसके बाद उसका पूरा जीवन पड़ा है। वो कहा तो था कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि भाई हमारे यहाँ गनमैन की नौकरी कर लेंगे हमारे ऑफिस में आकर के। कितने जितने बचेंगे लगा देंगे नौकरी। नहीं, नहीं, कितने बच्चों को भाजपा ऑलरेडी है, पहले भी बहुत सारे नेता हैं भाजपा के, कार्यालय बहुत सारे हैं, लगा देंगे एक कार्यालय में 100-200। अरे नहीं, ये संभव ही नहीं है, ये फिर वो कह देंगे ये तो जुमला था। अब एक और दुर्भाग्य है जी, आपने कहा कि नेता जो वायदा करता है उसके ऊपर लोगों का विश्वास जमता है, ठीक बात है बिल्कुल, और जो उसने बात कह दी उसके ऊपर यकीन होना ही चाहिए। हाँ। देश का प्रधानमंत्री है, देश का गृह मंत्री है, देश का कोई दूसरा बड़ा नेता है, मैं, उसकी बात का मैं वही आज कह रहा हूं, आज अखबारों में और बड़े बड़े इश्तेहार थे, और मैंने 1 घंटे तक मैं देखता रहा, और उसको और देख के उनको देखो फिर हंसी आए, नहीं 2 लाख नौकरी देंगे। हाँ, मैंने कहा यार पहले कहाँ गई, आज पकड़ा था क्या किसी ने, 2 लाख नौकरी देंगे। दूसरा फिर वो जो बच्चे हैं, मैं आज जो सबसे बड़ी गंभीर बात बताने और कहने जा रहा था, वो 22 साल का युवक, उसका भविष्य अंधकार में है जी, उसको अब कहीं नज़र नहीं आता, और धीरे धीरे उसकी उम्र भी चली जाती है, वो कहाँ जाएगा, वो क्राइम की तरफ बढ़ेंगे। अब कह रहे अग्निवीर को नौकरी, आज मैं ये पढ़ रहा था, एक अग्निवीर ने इस तरह का बहुत बड़ा गंभीर क्राइम किया है, तो वो इस तरह का जो माहौल पैदा कर रहे हैं हम, कास्ट की इस देश को जो जरूरत है ना, अब ये क्रिटिसाइज करते हैं गांधी को, नेहरू को, उनके विजन को। हाँ। गांधी जी ने कहा था कुटीर उद्योग लगाए जाए जी, जापान ने तरक्की क्यों की, स्विट्जरलैंड ने क्यों की, हम छोटे थे तो ये बचपन में पढ़ते थे सुनते थे, स्विट्जरलैंड में घरों में घड़ियां बनती हैं जी, और हम ये अचंभा मानते हैं यहाँ तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती होंगी उनमें, HMT की और दूसरी उनमें घड़ियां बनती हैं, वो कहते हैं नहीं वहाँ तो हर घर में घड़ी बनती है, जैसे हमारे महिलाएं स्वेटर बनती हैं, वैसे घड़ी बनती है, और ऐसे जापान में तो हर घर में हर कुटीर उद्योग छोटे बड़े और हर हाथ को काम मिले। अब बना तो रहे हैं, लखपति दीदी बना रहे हैं, हर हाथ को काम मिले, कहाँ
83 करोड़ जनता को आपने निखट्टू नकारा बना दिया, उनको राशन फ्री में, वो काम करेंगे? आज शहर की ये समस्या है, गांव की देहात की ये समस्या, आपको मजदूर नहीं मिलता। वो लाभार्थी हैं सर, वो कहते हैं लाभार्थी हैं, लाभार्थी है, लाभ में डूबे हुए हैं, वो अपना लाभ में अपना ठीक है, काम करने की जरूरत तो कह रहे हैं, हम सबको रोटी खिला रहे हैं। नहीं नहीं, एक बात सुनिए, ये बड़ी पुरानी कहावत है, आदमी किस लिए काम करता है? पेट की खातिर। बहुत पुरानी कहावत है, जब पेट में भूख होगी तभी काम करेगा, वरना उसे जरूरत नहीं महसूस होती। आदमी शेर है, शिकार तब करता है जब उसको भूख लगती है, वरना शेर शिकार नहीं करता। आदमी का भी वही है करेक्टर। तो जब आदमी की घर बैठे उसको अन्न मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, तो उसे जरूरत ही नहीं काम करने की। आज हरियाणा की स्थिति क्या है, पूरे देश की स्थिति क्या है जी? कहाँ चीन है, कहाँ जापान है, कहाँ चले गए वो लोग? और हम जी दुनिया का सबसे बहु जनसंख्या का देश है ये, और इतने हाथ हैं, अगर इनको काम मिले तो हम दुनिया में सबसे आगे जा सकते हैं जी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5-6 ट्रिलियन, पता नहीं बिलियन ट्रिलियन का क्या शब्द, मोटे मोटे भारी भारी वो जोड़ दिए जाते हैं, और जनता के अंदर बहकावा और भ्रम फैला दिया जाता है जी। तो लेकिन जो अर्थव्यवस्था है वो तो नाम की चीज नहीं। और ये फ्री बीज क्यों? मैंने एक शब्द कहा कि ये फ्री बीज, ये जड़ मूल से ही जो है ना हमारे लिए घातक है, समाज के लिए, देश के लिए। और ये कहाँ लेके जाएगी? नहीं, जब कहते थे ना प्रधानमंत्री जी, बड़ा अच्छा लगता था, कहते थे कि जो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं ये। हाँ, अगर वो उस पर स्टिक रहते, उस पर वो चलते और देश में इस तरह का कोई व्यवस्था करते। मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने रेवड़ी की जगह अब ये और आगे बढ़ गए। तो ये 83 करोड़ जनता को उन्होंने फांस लिया और वोट के लिए ठीक है, राशन मिल रहा है। अच्छा, मुझे लगता है जैसे होड़ लगी, कांग्रेस ने कहा कि 2000 होड़ नहीं लगी, बोली 2100। हाँ। काश की ये थम गई, वरना कोई ये भी होना चाहिए 2200 कहता, फिर अगली बढ़ती हो 2300। वो चुटाला साहब ने भी कह देंगे शायद, अभय सिंह चुटाला ने भी कोई और बढ़ के आ जाएगा और सुरमा हो। उन्होंने कहा 500 रुपए का सिलेंडर, उन्होंने कहा 500 रुपए का सिलेंडर। उन्होंने कहा कि 2 लाख नौकरी, उन्होंने कहा 2 लाख नौकरी, पक्की नौकरी, पक्की नौकरी। उन्होंने कहा कि नौकरी MSP, कांग्रेस वालों ने कहा MSP की गारंटी देंगे, लेकिन इन्होंने गारंटी नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हम 24 जिन्स फसलों को MSP पर बिकवाने की व्यवस्था करेंगे। वो तो व्यवस्था आज भी हो रही है। रेवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी ने ये पहली कलम, और हमारे जो धनखड़ साहब हैं वो तो कुर्ता और विज साहब कुर्ता निकाल के सड़कों पे प्रदर्शन, स्वामीनाथन आयोग लाओ, स्वामीनाथन लागू, पहली कलम से पहला काम MSP की गारंटी होगी, किसानों के कर्ज माफ होंगे। अब किसने रोका भाई? 750 किसान जो है ना शहीद हुए, मौतें हुई बॉर्डर के ऊपर, 13 महीने आंदोलन चला बिना बात के आप एक, वो तो वो बात हुई, कहते नहीं आपको मैं कुछ खिला रहा हूँ, कहते मुझे भूख नहीं लगी, मुझे मत खिलाओ, मेरा पेट खराब हो जाएगा, मैं नहीं खा पाऊंगा, नहीं खाना पड़ेगा। हाँ। मैं आपके लिए बना के लाऊं, खाना पड़ेगा, धक्के से उसके मुंह में ठूसे। अब किसानों को साथ ये क्या मजाक था? और फिर कहे मेरे को समझने में बड़ी गलती हुई, काश की नहीं, फिर वो माफी मांगी। किसानों का इतना सम्मान सर सरकार कर रही है, देखो 2000-6000 माफी मांगी बस्ताड़ा में, करनाल में, निशिंग में, आपके पीपली में, सर फोड़ो और फिर कहो माफी मांग ली हमने तो भाई किसानों से। और वो देवेंद्र बबली जी भी कह रहे हैं। नहीं, वैसे आप देखो ना सर, कितना दे रहे हैं किसानों को, और कितना दे किसानों को बताओ। हाँ, बहुत कुछ दे रहे हैं, इतना रुपया हर उनकी वो जो है वो डबल कर दी, फीस आ जाती है आपके, उनकी जो है ना 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। हाँ। कर दी ना, और सम्मान निधि दे तो रहे हैं, कुछ भी मत करो तो भी मिल रहे हैं पैसे तो। हाँ, मैं किसान हूँ, मुझे तो कभी अठन्नी मिलती नहीं, सम्मान निधि नहीं मिल रही आपको? मुझे तो सम्मान क्या, मान निधि भी नहीं मिल रही नहीं तो दे रहे, कह रहे वो बहुत सारे किसानों को दे रहे हैं, कहाँ है, खाते में खटाखट जा रहे हैं, कुछ नहीं, 2000 बिकने का पैसा भी बहुत बाद में आके मिलता है, उसके लिए भी पोर्टल की बीमारी, मेरी जमीन का कोई और वो चढ़ा जाता है। किसानों के लिए योजनाएं तो बहुत बनाई है सरकार ने। हाँ, मूल्य बड़ी, हाँ वो ठीक है, एक वो बनाई थी मिट्टी की जांच, उर्वरकता जांच,
वो मृदा स्कीम थी और वो हर 5 किलोमीटर पर एक लैब होगी, उसमें परख होगा कौन सी फसल बोई जाएगी क्या उसका हो, कहाँ है क्या है वो मृदा। फिर वो कह दिया जाता है कि पूरा जिला में नहीं है, आपके फरीदाबाद में पूरा जिला में वो जांच की लेबोरेटरी नहीं है। और ऐसे हरियाणा के 22 में से 19 जिले ऐसे हैं जिनमें ऐसी लेबोरेटरी की व्यवस्था नहीं है। आप तो 5 किलोमीटर पे कर लेते हैं जो कि पहले ब्लॉक सत्र पर थी। अरे नहीं सर, कितना वो किसानों को बीज फ्री दे रहे हैं, भावांतर को कौन सी है भावांतर भरपाई योजना वो भी दे रहे हैं, और आपका जो है ना MSP भी दे रहे हैं। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जी, मैं इसको MSP को डिफाइन करूं, एब्रीवेट करूं, इसकी फुल फॉर्म बताऊं, दिस इज नॉट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इन प्रैक्टिकल दिस इज मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। अगर 2250 रुपया धान की MSP का रेट निर्धारित हुआ है उससे ऊपर नहीं बिकेगी, ये मिनिमम होनी चाहिए, इससे ऊपर कहीं जाए 2300 बिके, 2251 बिके, 2260 बिके, नहीं। प्रैक्टिकल बतौर किसान भी मैंने काम किया है, बतौर आड़ती कमीशन एजेंट की शॉप होने के नाते वहाँ भी मैंने देखा भी है, काम भी किया है, और अधिकारी होने के नाते फील्ड भी देखा है, वो ऑफिसर होने के नाते मंडियों में जा कर के सुपरविजन भी किया है, तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। मैं कह सकता हूँ कहीं 200 रुपये कहीं 300 रुपया बिकती है, कहने को सरकार की परचेज है हरियाणा में धान। अभी सीजन शुरू होगा, आप मेरे साथ मंडी में चलिए, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए MSP किस दिन बात करेंगे बड़ी विस्तार से, बड़ी लंबी तकरीर है, संकल्प पे बात गारंटी नहीं दी इन्होंने कहा कि हम अच्छा लोकसभा चुनाव में तो मोदी गारंटी थी, आज तक वो नहीं, अब तो ये गारंटी कांग्रेस वाले दे रहे हैं आजकल। हाँ, वो गारंटी शब्द कहीं नहीं कह दिया उन्होंने, अमित शाह जी ने बोल दिया है गारंटी वारंटी कुछ नहीं हुआ करती, जैसे पहले कह दिया था ना, ये तो जुमला था, उन्होंने कह दिया 15 लाख। हाँ, ये कोई गारंटी वारंटी कोई चीज नहीं होती चुनाव में। मतलब मैं कह रहा हूँ कि दोनों में जैसे उनका जो 7 के अंदर ही कई सारे पॉइंट हैं, इन्होंने 20 पॉइंट अलग दे दिए भाजपा वालों ने, वो बड़े लंबे चौड़े वायदे के साथ। इसको ये कह दें कि दोनों पार्टियां जो हैं प्रमुख डुगडुगी लेके आई हैं। हाँ, गलत है दोनों की तरफ से, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि मैं सिर्फ इनको दोष दे रहा हूँ। हाँ, मैं तो कहता हूँ कोई भी है इस तरह के लुभाव ने वायदे जो पूरे ना हो सकते हो पैसा। आप एक और चीज है, ये तो दुर्भाग्य है हमारा, वरना ये होना चाहिए कि आप ये वायदे तो कर रहे हैं, ये आपका घोषणा पत्र तो है, साथ के साथ जैसे आप वो लेखा जोखा बनाते हो ना, बजट तैयार करते हो ना, बिल्कुल बैलेंस शीट करते हो ना, तो बजट हर ऑफिस का, हर दफ्तर का, हर कार्यालय का बनता है, तो उसमें होता है कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ जाएगा, कैसे उसको मीट आउट करेंगे, कितना जो है ना उसका वो रहेगा। तो इसमें ये होना चाहिए कि कहाँ से पैसा आएगा इसके लिए, भाई आपका जो पहले बजट है वो डेफिसिट में है ऑलरेडी, हरियाणा में जो है ना कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो वो पहले कर्ज में है, मिडिल क्लास आदमी के लिए केवल आप समझ नहीं सकते कि उसके लिए ऊपर क्या बीतती होगी उसके ऊपर। मिडिल क्लास का तो जिक्र छोड़ दीजिएगा, वो तो पिस रहा है चक्की के दो पार्टों में, लेकिन सवाल ये आता है कि ये जो लुभावने वायदे हैं इनके लिए बजट की व्यवस्था कहाँ से करेंगे वो तो बता दें जी दोनों। ये नहीं कह रहा बीजेपी कोई भी है, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, वो लोकसभा चुनाव में राहुल ने कहा खटाखट 8,500, अब ये कह रहे खटाखट 2,000, खटाखट 2100, यही चल रहा है सब कुछ। नहीं, खटाखट नहीं है ये, फटाफट हमें और चटाचट हो जाए सारा, चट हो गया। और ये एक और भी चीज है इसके साथ साथ कि इस तरह की व्यवस्था अगर चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि वो जो श्रीलंका में हुआ, जो दूसरी जगह हो रहा है वो हालात, यहाँ पाकिस्तान को हम बार बार कहते हैं अपने चौड़े हो जाते हैं, पाकिस्तान को जो है ना हमने वो कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान की अपनी वो है, इसका मुद्दा नहीं था। भारत में जब भी चुनाव होते हैं जी, पाकिस्तान बीच में आ जाता है, वो तो कई मैं है मुसलमान नहीं पाकिस्तान का, खासकर पाकिस्तान तो फिर वो नहीं, पाकिस्तान का जिक्र करने की क्या जरूरत पड़ती है इनको, कुछ भी नहीं पड़ता। अंतिम सवाल पे आते हैं, जो इनके गारंटी और इनका संकल्प जी कितना सफल हो सकते हैं, और इन्होंने जो वादे इरादे किए हैं, सफलता का नाम की तो चीज ही नहीं है इसमें। इस संकल्प पत्र में
कहीं ये नहीं है कि ये हमारा ये इरादा है, हम इसको पूरा करेंगे। संकल्प ऐसा नहीं। लगता है कि संकल्प है, व्यवस्था है, देखेंगे, कर लेंगे, सोचेंगे। एक संकल्प हुआ करता है जब मंदिर में हम पूजा करते हैं, कोई अपने घर पूजा करते हैं जी, तो पुजारी आता है, जो पुरोहित होता है वो हमारे हाथ पे कलावा बांधता है, हम हाथ में एक दक्षिणा रख लेते हैं जी, वो कहता है संकल्प लो, वो संकल्प लेते हैं, वो बांधता है यज्ञोपवीत और राजा ये भद्रो महाबली वाला मंत्र पढ़ता है और वो उसको जी, वो तो हुआ संकल्प। वैसा ही संकल्प है क्या? ना, ये तो कोई ऐसा संकल्प मुझे तो नजर नहीं आया इसमें, मैंने देखा इसको गौर से देखा। कांग्रेस की गारंटी, कुछ मुद्दे हैं उसमें, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत कुछ चाहिए। हाँ, सिर्फ ये जरूर कह सकते जैसे 2 लाख नौकरी कह रहे हैं तो उनके पास कोई मौका नहीं था, आपके पास तो मौका था, आप तो सरकार में थे, बिल्कुल आप ये दे सकते थे जो खाली पद पड़े हुए थे आपको। पीछे क्या हुआ है, अब ये 6,000 की पेंशन का है, मुझे अच्छी तरह याद है, शुरू में 50 रुपये शुरू हुई, फिर ये 100 रुपये की गई, चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये की, 100 रुपये की, और बढ़ती बढ़ती ये 2005 तक 300 रुपये थी, और 2014 में ये 1,000 रुपये पहुँची धीरे धीरे, 50 रुपया 100 रुपया हर साल बढ़ाते 2014 में 1,000 रुपया, और फिर एकदम से JJP ने कहा हम तो 5,000 रुपये देंगे, 5,100 रुपये देंगे। हाँ, BJP का नहीं था, इन्होंने हर साल हम जो है ना 100 रुपये बढ़ाएंगे, JJP का था, लेकिन ये पार्टनर थे, कोलिशन गवर्नमेंट थी, तो दोनों ने कहा अपना रहा है और इस पे इन्होंने प्रयास करेंगे हम, लेकिन नहीं कर पाए। अभी 3,000 रुपये अटक गई, 2500 3,000 रुपये अटक गई, और इसी तरह JJP का एक वो था संकल्प कि हम 75% हरियाणा के युवकों को रोजगार देंगे प्राइवेट सेक्टर में, उसके लिए उन्होंने प्रपंच भी रचा, विधानसभा में भी लाए, और आपका जो संभव नहीं था। चल, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, लंबा नहीं, मैं छोटा सा बता देता हूँ, और उसके लिए उन्होंने विधानसभा में भी बिल भी पास किया, कानून भी बनाया, कोर्ट ने उसमें रुकना ही था, रुकना ही था, कोर्ट ने वो हित में ही नहीं था, कई बार होता रहा पहले भी। अब हरियाणा में मैं वो ये कहने जा रहा हूँ, वो एक तरफ तो आप कह रहे हैं 75% हरियाणा के युवकों को यहाँ नौकरी देंगे, पहले डोमिसाइल 15 साल का था, अब इन्होंने घटा के 5 साल का कर दिया। आज हरियाणा के अंदर जितनी नौकरी आ रही है ना, उनमें से मैक्सिमम बाहर की स्टेट के लोग हैं। तो आप एक तरफ आप कहते हैं हरियाणा के लोगों को हम 75% प्राइवेट सेक्टर में देंगे, तुम सरकारी नौकरी में भी बाहर के आदमियों को लेके आ रहे, हमने नहीं देखा था पहले ऐसा, अब हो रहा है। तो ये संकल्प है तो संकल्प ही रह जाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है। चलिए, ये है वादे इरादे, और ये गलत है, अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए, तरक्की के लिए ये बहुत बुरी चीजें हैं, और बगैर सोचे समझे लोगों को वही बहकाना। वोट के लिए ठीक है पर ना, ठीक तो क्या है, वोट के लिए ठीक नहीं है, किसी तरह से भी ठीक नहीं है, बुराई तो बुराई है जी, वो अच्छे बुरे वक्त में नहीं, हर वक्त ही बुरा है। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने खोल दी अपनी पोटली पिटारा, गारंटियों की और संकल्प की पिटारा। फैसला आप लोगों को करना है कि आपने कौन सी गारंटी और कौन से संकल्प मानने हैं। केवल हमारा तो ये उद्देश्य था कि आपको बता दें कि किसने क्या संकल्प लिया और कौन क्या गारंटी दे रहा है, और क्या हित में है, क्या हित में और क्या समाज और देश के हित में नहीं है, क्या मुफ्त की रेवड़ी है और क्या मुफ्त के बतासे हैं जी, ये जनता फैसला ले। चुनाव चल रहा है, चुनाव के अंदर इस प्रकार की कभी घोषणा पत्र और कभी कैंडिडेट्स की बातें आपके साथ लगातार हम किया करते हैं और आगे भी जारी रहेंगी। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।